तो दोस्तों, क्या आप भी अपने फ्री फायर आईडी का सर्वर चेंज करना चाहते हो तो बहुत ही सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर यहाँ पे आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से अपने फ्री फायर आईडी को किसी भी सर्वर से चेंज कर सकते हो दोस्तों। यानी कि ब्राज़ील में चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, इंडोनेशिया करना चाहते हो इंडोनेशिया कर सकते हो, पाकिस्तान सर्वर चेंज करना चाहते हो पाकिस्तान भी आप चेंज कर सकते हो दोस्तों। यानी कि कोई भी सर्वर अगर आप चेंज करना चाहते हो अपने फ्री फायर आईडी का, तो वह दोस्तों आप बहुत ही सिंपल तरीका है चेंज करने का। सब कुछ यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से अपने फ्री फायर की आईडी के किसी भी सर्वर पर चेंज कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और होने वाली है। एंड यहाँ पे दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आप इंडिया के अंदर होगे तो आपका इंडिया यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा आपका सर्वर पर। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे खुद के फ्री फायर आईडी के अंदर यहाँ पर इंडिया सिलेक्टेड है यहाँ पर सर्वर में, जो कि दोस्तों मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर लाइव प्रूफ के साथ इस सर्वर को चेंज करके दिखाऊंगा। इस वीडियो के अंदर जो भी मैं सर्वर कुछ यहाँ पर चाहता हूँ वह चेंज हो जाएगा। सब कुछ यहाँ पर इस वीडियो अंदर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे चेंज कर सकते हो किसी भी सर्वर पर। तो चलो दोस्तों, आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि फ्री फायर आईडी के अंदर सर्वर को कैसे चेंज किया जाता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यह वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो बस यहां पर एक छोटे से काम कर लेना, किस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल का आइकन दिखेगा उसको भी दबा करके ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियो की जो अपडेट वाला लगातार मिलती रहे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कैसे आप लोग अपने फ्री फायर की आईडी को जो सर्वर है वो किसी भी सर्वर पर चेंज कर सकते हो दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों, हमने यहाँ पर अपना स्मार्टफोन ओपन कर रखा है। तो जैसे कि हमें फ्री फायर या फिर फ्री फायर मैक्स का जो सर्वर है उसे चेंज करना है, तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपको अपना जो प्ले स्टोर है दोस्तों उसे यहाँ पे ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सबसे पहला काम आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको सिंपली यहाँ पे दोस्तों गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पर सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जैसे यहाँ पर आप इस सिरे पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल जाता है। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, इसी ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक आउट करना है ऐड अनदर अकाउंट वाले ऑप्शन पर। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक आउट कर देना है। अब जैसे क्लिक कर दोगे दोस्तों तो यहाँ पर आप सभी को अपना जो एक नया जीमेल बना लेना है। आपको सिंपली करना है थोड़ा सा वेट, एंड उसके बाद यहाँ पर क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर यहाँ पे सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर फॉर माई पर्सनल यूज वाले ऑप्शन पर क्लिक आउट कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आपको यहाँ पर सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर डाल देगो दोस्तों उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको नेक्स्ट वाले बटन पर दोस्तों सिंपली यहाँ पे क्लिक आउट कर देना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्लिक करते हो नेक्स्ट वाले बटन पर, उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा सिंपली दोस्तों यहाँ पर आप लोग यहाँ पे सिंपली आप लोग डाल देना। ठीक है, सिंपली जैसे डालने के बाद एंड उसके बाद यहाँ पर जो भी मेल फीमेल सेलेक्ट करना चाहते हो वो कर लेना। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पर सिंपली फिर से क्लिक आउट करके यहाँ पर आप लोग जो भी यहाँ पे रखना चाहते हो अपना जी मेल वगैरह, जो भी आप यहाँ पे जी मेल आई डी देना चाहते हो वो सिंपली आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना। ठीक है, अब जैसे क्लिक कर दोगे यहाँ पर आपको ये यूजर नेम ऑलरेडी टेकन बता रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पर कुछ चेंजेस वगैरह कर देता हूँ। तो यहाँ पर चेंजेस करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद जो भी यहाँ पर आप पासवर्ड रखना चाहते हो ना दोस्तों वो आप सिंपली यहाँ पर रख लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो फटाफट से पासवर्ड दे देता हूँ। फाइनली हमने यहाँ पर पासवर्ड दे दिया, एंड उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर फिर से क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आप जो भी करना चाहते हो वो यहाँ पर कर लेना। एंड यहाँ पर फिर से यस आई एम इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर फिर से नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना, एंड उसके बाद आई एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक कर दोगे तो आपका नया जीमेल दोस्तों वो यहाँ पर तैयार हो जाता है। सिंपली इस तरह से आप लोगों का अपना जो एक नया ईमेल जो है वो दोस्तों वो बन के बिल्कुल रेडी यहाँ पे हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ये रेडी हो जाता है उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि आपका ये जो ईमेल है दोस्तों वो फाइनली यहाँ पे तैयार हो चुका है। एंड उसके बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सिंपली सा दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आप यहाँ पे सर्वर यहाँ पे लगाना चाहते हो, यानी कि जो भी सर्वर आप चेंज करना चाहते हो अपने फ्री फायर आईडी के अंदर, यानी कि जो भी ब्राज़ील करना चाहते हो, पाकिस्तान करना चाहते हो, इंडोनेशिया करना चाहते हो, यानी कि जो भी आप करना चाहते हो उसे यहाँ पे आपको सिंपली उस नाम का वीपीएन आपको इंस्टॉल कर लेना अपने स्मार्टफोन के अंदर प्ले स्टोर से। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं सिंपली इंडोनेशिया सर्वर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली सर्च करूंगा इंडोनेशिया वीपीएन, एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो वीपीएन इंडोनेशिया का यहाँ पे आ चुका है, एंड सिंपली हम लोग इसे यहाँ पे दोस्तों ओपन करेंगे। लेकिन जैसे कि आप ब्राज़ील करना चाहते हो तो ब्राज़ील का आपको वीपीएन इंस्टॉल करना है, पाकिस्तान का करना चाहते हो तो पाकिस्तान का वीपीएन आपको इंस्टॉल करना है, आप सिंगापुर का करना चाहते हो तो सिंगापुर का वीपीएन आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, जैसे कि मुझे इंडोनेशिया का करना है तो मैं यहाँ पर सिंपली से दोस्तों इंडोनेशिया वीपीएन को इंस्टॉल करके यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पर सर्वर को कनेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, आप लोगों के सामने तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसे यहाँ पर सर्वर को कनेक्ट कर लूँगा। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर वीपीएन इंडोनेशिया यहाँ पर सिलेक्टेड है, मैं सिंपली यहाँ पर कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक आउट करके दोस्तों यहाँ पर इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये फाइनली दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा सा वेट करने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर फाइनली ये कनेक्टेड हो चुका है।
आप देख सकते हैं। उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करने के बाद अब यहाँ पर आप जो भी फ्री फायर मैक्स या फिर फ्री फायर ओपन करना चाहते हो, जिसका भी सर्वर आप चेंज करना चाहते हो, सिंपली यहाँ पर आपको उसे ओपन कर लेना है। फाइनली दोस्तों हम यहाँ पर अपने फ्री फायर को ओपन कर लिया है एंड उसके बाद इसे अपनी पुरानी वाली आईडी को यहाँ पर सिंपली सबसे पहले तो लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली जो हमने जो ईमेल नया बनाया था दोस्तों उसे यहाँ पर लॉग इन करेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर इसे लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट करने के बाद हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। साइन इन विथ गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक आउट करने के बाद हमारा जो नया जो जीमेल हमने आप लोग के सामने बनाया था, सिंपली उसी जीमेल से हमें यहाँ पर लॉग इन करना है नए ईमेल आईडी से। ठीक है, जैसे कि हम सिंपली यहाँ पर इसे चलो लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करने के बाद मैं आप सभी को दिखाता हूँ चल के। ठीक है, लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इसे टैप टू बिगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे पूरी तरह से यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। आईडी वगैरह बना लेता हूँ, नेम वगैरह जो भी देना चाहता हूँ सिंपली यहाँ पर दे देना। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर अच्छा लगे वो सिंपली यहाँ पर कर देना। कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर चलो जो भी नेम है वो यहाँ पर रहने देता हूँ, कुछ यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करता। सिंपली हम इसे सबसे पहले तो ओपन करते हैं पूरी तरह से, उसके बाद आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ इसके सर्वर में भी चल के दिखाएंगे। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो जो बंदे सोच रहे होंगे कि हमें बार बार यहाँ पर अपना जो वीपीएन है उसे यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पर चलता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद अगर मैं अब चाहूँ तो अपना जो वीपीएन है दोस्तों उसे यहाँ पर पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ, अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर अभी देख सकते हो मेरा जो वीपीएन है दोस्तों वो यहाँ पर कनेक्टेड है, बट मैं आप लोगों के सामने चलो सबसे पहले तो अपने वीपीएन को दोस्तों वो यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को यहाँ पर डाउट ना हो कि मुझे बार बार वीपीएन को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर डिसकनेक्ट भी कर दूंगा एंड इसे यहाँ पर दोस्तों अनइंस्टॉल भी कर देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, मैं यहाँ पर इसे डिस्कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसे चलो अनइंस्टॉल भी आप लोगों के सामने यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पर अपना जो वीपीएन इंडोनेशिया है उसे यहाँ पर आप लोगों के सामने चलो यहाँ पर दोस्तों इसे अनइंस्टॉल भी कर देता हूँ। ओके, आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर इसे अनइंस्टॉल कर दिया एंड उसके बाद यहाँ पर जो फ्री फायर दोस्तों उसे यहाँ पे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सिंपली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ओपन है। एंड अगर मैं सेटिंग में चलता हूँ, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों इंडोनेशिया सर्वर यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे कोई भी एडिट वगैरह नहीं है। मैं आप लोगों के सामने फिर से यहाँ पे चल के दिखा देता हूँ, मैं प्ले कर सकता हूँ सब कुछ यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने, पूरा इंडोनेशिया सर्वर यहाँ पे चलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने पूरा लैप रूप करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर अगर फिर से चलता हूँ सेटिंग वाले ऑप्शन में, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी सर्वर से अपना जो फ्री फायर आईडी वो चेंज कर सकते हो एंड इस तरह से आप अपनी आईडी बना सकते हो किसी भी सर्वर पे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारी ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल का आइकन दिएगा उसको भी दबा करके ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियो की जो अपडेट लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर से किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।